नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है, कर्मचारियों की पीड़ा। मध्य प्रदेश के समस्त प्रकार के कर्मचारी शिक्षक, देखिए सुनियोजित तरीके से कर्मचारियों को नुकसान, एक भी सुविधा नहीं केंद्र के समान। कर्मचारी नेता भदौरिया ने कहा कि केंद्र के समान डीए व आवास भत्ता से वंचित मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं। तो आइए बड़ी खबर जानते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों ने केंद्र के समान सुविधाएं नहीं मिलने का दर्द बताया है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सुविधा रोककर उनका जबरदस्त आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, जबकि निरंतर मांग की जा रही है कि जब जब केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा देता है तो उसी तिथि से प्रदेश में भी यह लाभ देने के लिए आदेश जारी किए जाने चाहिए। केंद्र के समान नहीं महंगाई एवं आवास भत्ता, सुरेंद्र सिंह भदौरिया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि महंगाई के सूचकांक को देखते हुए कर्मचारी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया है, पर राज्य के कर्मचारी पेंशनर अभी भी वंचित हैं। साथ ही आवास भत्ता भी छठे वेतनमान से मिल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश के मुखिया से मांग करता है कि जल्द केंद्र के समान किया जाए। सरकारी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही सुविधाएं, नरेश मांझी। संगठन के जिला उपाध्यक्ष नरेश मांझी का कहना है कि सरकारी सेवकों को समय पर केंद्रीय तिथि से सुविधा नहीं मिल रही है। पिछले 5 साल का आंकड़ा देखा जाए तो केंद्र ने जब जब अपने कर्मचारियों को सुविधा दी है, तब तब इस तिथि से मध्य प्रदेश में सरकारी सेवकों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है। नरेश मांझी का कहना है कि शासकीय सेवकों के प्रासंगिक लाभ में समानता होना चाहिए, ताकि कर्मचारी चिंता मुक्त होकर प्रदेश देश प्रदेश के विकास कार्य में तेजी से अपना योगदान दे सकें।